जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर गुप्ता और आप सभी साथियों का स्वागत है टैप टू क्रैक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। पिछले काफी समय से बहुत सारे बच्चे मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ बुक से ही सीडीएस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? क्या सिर्फ बुक्स को पढ़कर सीडीएस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न ये रहता है उनका कि वो बुक बता दीजिए, वो बुक लिस्ट बता दीजिए जिससे हम पढ़कर सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लें। दो बड़े प्रश्न, दो महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसका सीधा जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको इसको तरीके से समझाता हूं, मैं दोनों चीजें बताता हूं, समस्या क्या होगी सिर्फ बुक से तैयार करने में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको पढ़कर आप सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करोगे टॉप कर जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स ही आपके लिए रामबाण होंगी, मैं ये भी नहीं करता कि बिना बुक्स के भी आप कर जाओगे। आपको बुक्स सीढ़ी प्रदान करती हैं एग्जाम को क्लियर नहीं टॉप करने का। मैं बार बार कहता हूं, लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है, लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है, उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। यही ढंग अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, हाई के लिए जाओ, टॉप करने के लिए जाओ। सीडीएस एग्जाम अगर आपने अपना ध्येय बनाया है तो इसके लिए आपको अपनी लक्ष्य, अपना ध्येय, अपना एम्बिशन बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने में बुक्स बहुत मदद करने वाली है। बुक्स वो तरीका होंगी जिन तरीकों से आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे आप टॉप कर जाओगे, इस बात को इंश्योर करवाऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से बुक्स जो है आपको मदद करेंगे। अगर आपको सीडीएस एग्जाम सीडीएस फर्स्ट 2025 क्लियर करना है तो कौन सी बुक्स ऐसी होंगी जो सीढ़ी बनने वाली है आपके इस एग्जाम में। सबसे पहली बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स के लिए आपको 10th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी पर फोकस करना पड़ेगा। ये दो बेस बुक है, ये बेसिक बुक है दोनों, जिन बुक्स की मदद से आपको सीरियस एग्जाम में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जब चाहे जहां चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, सरकार मानती है, यूपीएससी भी मानती है, जाहिर सी बात है। तो इस बुक के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को टैकल कर पाएंगे। नाउ दूसरा प्रश्न आता है, सर इंग्लिश के लिए मैं क्या पढ़ूं? इंग्लिश के लिए दो बुक्स, एसपी बख्शी की एक बुक आती है जनरल इंग्लिश की, ठीक है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के लिए बड़ी अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वर्ड पावर मेड बाय इजी, ये दूसरी बुक है जिसके थ्रू आप अपने वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं जो कि मेजर पोर्शन अदा करता है आपके सीडीएस एग्जाम में। तो ये दो बुक्स हैं इंग्लिश के लिए, रामबाण किताबें हैं, आप इसको इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हैं और इत्मीनान पूर्वक जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। चलिए लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी के अंदर की बात बताऊं, यूपीएससी हमेशा नवीनता खोजता है। अगर यूपीएससी कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता तो उस पैटर्न को फॉलो करके सब लोग यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लेते, लेकिन इसका पैटर्न आपको बड़ा आसान नहीं है। अगर ये किताबें पढ़कर ही आप सीडीएस के इंग्लिश के सारी चीजें सॉल्व कर पाते तो आज बहुत सारे बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते, लेकिन बहुत जबरदस्त पढ़ने के बावजूद भी, इन बुक्स को रट मारने के बावजूद भी वो लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं। इसका एक सिंपल वजह है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। द हिंदू का एडिटोरियल आपके लिए रामबाण होगा जो इंग्लिश में आपकी नैया पार करवाएगा। एडिटोरियल सेक्शन से सीधा सीधा पैसेज या सीधा सीधा वोकैबुलरी सेक्शन पूछ लिया जाता है सीडीएस एग्जाम में। द हिंदू, वोकैबुलरी नहीं छोड़ना है, एडिटोरियल नहीं छोड़ना है आपको। चलिए इंग्लिश की बात हो गई, साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, तो क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बात करें, 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी, 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी, 11वीं कक्षा, ये थे वो, ध्यान देना, एनसीईआरटी आपको 10वीं और 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपके लिए बड़ी काम की है साइंस की। आप 10th 11th 12th पे मत जाइए, वो थोड़ी क्लिस्ट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपके लिए साइंस के लिए बेहतरीन एनसीईआरटी है, आप इस्तेमाल करके अपने सीडीएस एग्जाम में जो सीढ़ी चढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पर फोकस करना पड़ेगा, 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी। 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी इसकी बात करता है, और 12th क्लास की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करता है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है
जिससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस एग्जाम में, लाइन बाय लाइन, ऐसे सीधे लाइन निकाल के पूछ लेते हैं यहां से इन एससीईआरटी की बुक से, यूपीएससी, और पिछले काफी समय का ट्रेंड रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये किताबें बहुत पहले लिखी गई। अब समस्या ये होता है कि आप इन किताबों को अपडेट कैसे करेंगे। जैसे कि रिसेंटली माउंट रॉन्ग न्यूज़पेपर्स में था, माउंट उलावन न्यूज़पेपर्स में था, पापुआ न्यूगिनी में ज्वालामुखी आया, पापुआ न्यूगिनी में ज्वालामुखी आया, तो क्या इस बुक में अपडेट किया जाएगा? नहीं किया जा सकता है। ये तो बुक तो दसियों साल पुरानी है, लिखी गई है। लेकिन जो अब पूछेगा रिसेंटली माउंट उलावन वॉज इन न्यूज़पेपर्स, क्योंकि भारत सरकार ने 100 मिलियन का सहायता प्रदान किया है, आपको बताना है माउंट उलावन कहां पे लोकेटेड है। इस बुक में अपडेट होगा? नहीं होगा। इस बुक की भी अपनी लिमिटेशन है, बुक की अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन सिंपल सी चीज है, अपडेट नहीं होता है हर दिन। आपको चाहिए अपडेट, यूपीएससी अपडेटेड क्वेश्चन पूछता है। जो माउंटेन न्यूज़पेपर्स में रहा, जो ज्वालामुखी न्यूज़पेपर्स में रहा, जो लेक न्यूज़पेपर्स में रहा, जो प्लेस न्यूज़पेपर्स में रहा, जो आइलैंड न्यूज़पेपर्स में रहा, वहां से क्वेश्चन पूछता है। अभी आपका वेनेजुएला में सारे के सारे ग्लेशियर समाप्त हो गए, सारे सारे दुनिया का पहला देश जहां के सारे ग्लेशियर खत्म हो गए वेनेजुएला है। क्या आपको अपडेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, बट बढ़िया किताब है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर वेनेजुएला में है, और आपको कैसे पता चलेगा कि वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए? आप बताओ कैसे पता चलेगा आपको कि वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है? इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। मैं सुबह डेली 6 बजे पढ़ाता हूं आपको टैप टू क्रैक पर, डेली सुबह 6 बजे पढ़ाता हूं मैं करंट अफेयर्स, 1.5 घंटे की क्लास चलती है, वहां मैं चीजें अपडेट करता हूं। तो इसको पढ़िए, अपडेट लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर ज्योग्राफी हो गई बात, हिस्ट्री की बात करें, तो बिपिन चंद्रा की किताब हिस्ट्री की, एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की अवर पास्ट, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जिसके थ्रू आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मोटी किताबें हैं, काफी मोटी किताबें, पढ़ना, समराइज करना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल तो है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी पर फोकस है, और 12th क्लास की इकोनॉमी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो 11th 12th की एनसीईआरटी आपको इकोनॉमिक्स में बहुत मदद करेगी। ये दो किताबें बहुत शानदार हैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए। पॉलिटी की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी किताब है, और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये भी एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की बुक है, 11वीं और 12वीं कक्षा, 10वीं 11वीं और 10वीं कक्षा और 12वीं 11वीं कक्षा की एनसीईआरटीज आपको काम करेंगी। मैं चाहता हूं कि इसमें 12वीं कक्षा की भी एनसीईआरटी आप जोड़ लीजिए, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी भी आपको बहुत मदद करने वाली है इसी में पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी काम की है, बट इसके साथ साथ आप कोई एक बड़ी कॉम्पिटेटिव लेवल की बुक ले लें, जिसमें लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी आती है, बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, अब समस्या यह है कि क्या सर मैं इतना सारा पढ़कर क्या मैं समराइज कर पाऊंगा, क्या मैं उन चीजों को अपने एग्जाम के लेवल पे ला पाऊंगा, क्या मैं इससे एमसीक्यू बना पाऊंगा, क्या मैं इस पर प्रैक्टिस कर पाऊंगा, इसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या मैं डिसाइड कर पाऊंगा? यही एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। क्या ये बुक अपडेटेड है? अपडेटेड नहीं होती है ये सारी किताबें, ये पिछले कई साल पहले लिखी गई होती हैं, और मैंने आपको बताया यूपीएससी कभी भी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, यूपीएससी हमेशा नवीनता खोजता है। जैसे मैंने बताया वेनेजुएला, माउंट उलावन, माउंट रियोंग, अभी मारेकुल्ले, ढेर सारा साइक्लोन आया पड़ा हुआ है, रेमल साइक्लोन से लेकर, तो क्या वो इन बुक में अपडेट है? नहीं अपडेट है। पूछेगा रेमल साइक्लोन अभी हाल फिलहाल में कहां पे आया, साइक्लोन मिचोंग अभी रिसेंटली किस देश ने साइक्लोन मिचोंग का नाम साइक्लोन मिचोंग रखा, कैसे अपडेट करोगे? यही समस्या हो जाती है। इसलिए समराइज करना, टेस्ट प्रिपेयर करना आपके लिए डिफिकल्ट है। मैं बार बार कहता हूं बुक्स पढ़ो, ये वो सीढ़ियां हैं जो आपको मंजिल की ओर ले जाने में बड़ा रास्ता सुगम करेंगी, बट ये कंप्लीट सीढ़ियां नहीं है। इनको अपने लिए समराइज करना, अपने लिए बनाना, इस चीज के लिए हम आपका सपोर्ट करते हैं। हम क्यों है यहां पर? हम आपको इन चीजों को सुगम बनाते हैं। और सीडीएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो नहीं करता, यूपीएससी नवीनता लेकर आता है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हमारी पूरी टैप टू क्रैक की टीम आपके साथ उपस्थित है। सीडीएस ओटीए फर्स्ट एंड सेकंड 2025 और सीडीएस फर्स्ट एंड सेकंड 2025 के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, ओटीए और सीडीएस फर्स्ट। ओटीए के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है फाउंडेशन कोर्स, लाइव क्लासेस आपको अब यहीं पर, मैं खुद पढ़ाता हूं यहां पर, मैं बार बार कह रहा हूं,
करंट अफेयर्स की एक एक चीजें मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। आप देखना फाउंडेशन कोर्स में आप मैं पढ़ेंगे आप तो 100% लाइव क्लासेस। आप जो प्रॉब्लम है ना कि टेस्ट कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कैसे निकालें एनसीईआरटी से वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं मैं आपको लाइव। सारे फैकल्टी चाहे इंग्लिश वाले गुरुजी हो, साइंस वाली मैम हो, जीएस वाले हो, मैथ वाले रणधीर सर हो, या फिर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए देखिए दो दो फैकल्टीज हैं आपको अलग से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा साइंस वाले अलग, साइंस वाली बायोलॉजी अलग पढ़ाती है मैम, फिजिक्स अलग पढ़ाते हैं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं आपको। तो ये सारे लोग मिलकर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाते हैं। मैं बार बार कहता हूं अकेले पढ़ोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि समझ नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए हमारे आप इस कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, दैट इज द फाउंडेशन कोर्स फॉर ओटीए एंड सीडीएस 1 एंड 2। ओटीए के लिए 2999 का कोर्स है आपका अभी ऑफर चल रहा है, और आपके सीडीएस 1st एंड 2nd के लिए आपका 3999 का कोर्स है। ये क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 22 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अभी भी लेट नहीं हुआ है, यही समय है जागने का, जागिए। अगर आप वाकई सीडीएस के लिए सज्ज हैं, अगर आपको चाहिए कि सीडीएस में एक सीट आपके सुनिश्चित हो जाए, तो हमारे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको किसी प्रकार से डिफिकल्टी है या मुझसे बात करनी है, कोई ऐसी बात हो रही मुझसे बात करनी है कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, आओ हमारा नंबर है 7827079695, कॉल करो, बताओ उनसे कि सर से हमें बात करनी है, मैं तुरंत बात करूंगा, आपके सारे क्वेरीज हम लोग वहीं पे सॉल्व करेंगे। तो इसी बार सीडीएस आपके लिए आखिरी वॉर होना चाहिए, फाइनल बैटल होना चाहिए। तो इस फाइनल बैटल को आप एक अच्छे तरीके से लड़ें और आपके हथियार मजबूत हो, आपको ज्ञान हो सीडीएस का, इसके लिए आप हमारे साथ टैप टू क्रैक के साथ जुड़ सकते हैं। इनकेस किसी पर सपोर्ट की जरूरत है, ये हमारा नंबर है, आप यहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाकी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, इसका इस्तेमाल कीजिए।